आज सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। जमीन घोटाले में आरोपी हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी नहीं हुई। अब उनकी अंतरिम जमानत पर कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगी। वहीं सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और कपिल सिब्बल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि इस दौरान हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोर्ट में बहस के दौरान एसवी राजू ने कहा, मैं तो बस कोर्ट की मदद कर रहा हूं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं भी कोर्ट की मदद कर रहा हूं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, इस मामले पर कल सुनवाई होनी चाहिए। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले पर गर्मी की छुट्टी के बाद भी सुनवाई हो सकती है। हालांकि बेंच ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मामला है और इस मामले पर कल सुनवाई होनी चाहिए। इस दौरान कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये 8.86 एकड़ जमीन का मामला है जो कि आदिवासी भूमि है। छोटा नागपुर टीनेंस एक्ट के तहत इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मैं दिखाना चाहता हूं कि ये क्या भूमि है। कपिल सिब्बल ने सोरेन की ओर से कहा कि 12 प्लॉट हैं, 76 से 86 के बीच गैर आदिवासी के रजिस्ट्री में एंट्री हुई। तब मैं 4 साल का था, मैं 75 में पैदा हुआ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आरोप है कि 2009 और 10 में मैंने जमीन पर जबरन कब्जा किया। मेरे खिलाफ 20 अप्रैल 2023 को केस चलाया जाता है। इस जमीन पर बिजली का कनेक्शन आरोपी नंबर 4 के नाम पर है। इतना ही नहीं, 2015 में हुए लीज में ये खेती वाली जमीन है, साफ है कि ये मेरे कब्जे में नहीं है। लीज का मालिक राजकुमार है। कपिल सिब्बल ने शिकायतकर्ता बैजनाथ मुंडा और श्यामलाल पाहन का नाम लेते हुए कहा कि ये जमीन के मालिक होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये भूमिहारी जमीन है, इसलिए मुंडा और पाहन का दावा विवादित है, मामला बेनामी प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि ये सिविल मामला है और इसलिए ईडी जांच नहीं कर सकती है। तो वहीं सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी ने कपिल सिब्बल की दलीलों पर कहा कि वो इस तरह दलील दे रहे हैं जैसे ये ट्रायल केस चल रहा हो। जिसके जवाब में जस्टिस दत्ता ने कहा कि पिछली बार जब मेरे और जस्टिस खन्ना के सामने ये मामला आया था, तब हमने कहा था कि प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए। हालांकि कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया गया। जाहिर है कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और सेक्शन 19 नहीं लगाया गया था। जस्टिस दत्ता ने कहा कि यहाँ कुछ तथ्यात्मक असमानताएं हैं और इस पर संज्ञान ले लिया गया है, इसलिए कोर्ट प्रथम दृष्टया संतुष्ट है। जब एक जुडिशियल फोरम ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को देखा है और इसे चुनौती नहीं दी गई है, क्या एक रिट कोर्ट की गिरफ्तारी की वैधता को देखेगा। बहरहाल आज इस मामले में तीखी नोकझोंक हुई और अब देखना होगा इसको लेकर कल कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।